ये घोड़ी है, घोड़ा ये भी घोड़ी है जी, घोड़ी है ये भी। ओके, कितने साल की होगी ये भी? साढ़े सात साल की है। इधर आ जाओ आप। जी, कितने साल की है? साढ़े सात साल की। साढ़े सात साल की जी। हाइट क्या होगी इसकी अभी? 63 है। 63 जी। तो ये तो अभी और नहीं जाएगी हाइट में, है ना? नहीं, ये भी बराबर है। कलर क्या है इसका? ये काला है। काला है, और ऐसा ही इसका बच्चे का कलर है क्या? इसका बच्चे का कलर है, और घोड़ा भी काला ही मिलाया हुआ है। अच्छा, काला ही मिलाया हुआ है। जी, तो जैसे आप घोड़ी मिलाते हो तो ये देख लेते हो क्या घोड़ी के भैया काला ही घोड़ा मिलाना है? काली, जैसे काली घोड़ी है तो काला घोड़ा ही मिलाना चाहिए, ताकि घोड़ी पे जाए, घोड़े पे जाए तो अच्छा बच्चा लाए। जैसे मारवाड़ी को जैसे मान के चलो काठियावाड़ी मारवाड़ी से मिला दिया तो मिक्स ब्रीड हो जाएगा, तो न तो घोड़ी में न घोड़े में, फिर वो तीसरे कोई महत्व नहीं निकलता है। जब तीसरे में पहुँच जाता है, तीसरे में पहुँच जाता है, फिर वो 12 महीने रोके हैं और उसको कोई लास्ट में कोई महत्व नहीं रहता। ऐसा करवाते हैं क्या वैसे लोग बाग? अनजान लोग करवा देते हैं, जैसे कुछ नहीं जानते हैं ऐसा कुछ है, लेकिन करवाना नहीं चाहिए। करवाना नहीं चाहिए। जैसे मारवाड़ी है तो मारवाड़ी मिलाओ, नुकरा है तो नुकरा ही मिलाओ, कोई काठियावाड़ी तो काठियावाड़ी मिलाओ, ऐसे बोलते हैं। अगर राजपूत है तो राजपूत में ही शादी करवाओ, है ना? समाज तो समाज होती है, जैसे इसी में जात होती है। ओके, सही जात। तो यानी कि अभी अपने इंडिया में कितनी तरह के नस्ल के घोड़े मिलते होंगे? जैसे नस्ल तो बहुत है, थोरो अलग है, सिंधी अलग है, मारवाड़ी अलग है, काठियावाड़ी अलग है, मालानी अलग है, मतलब अलग अलग है, सब पंजाबी अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी नस्ल है, वो कौन सा? वो थोरो ब्रीड में आते हैं, पाकिस्तानी नस्ल अलग नहीं होती है, उधर ज्यादातर वो थोरो ब्रीड पालते हैं। अच्छा, रेसकोर्स के घोड़े होते हैं। तो थोरो ब्रीड कुछ काम के नहीं रहते क्या? रहते हैं ना, वो रेसकोर्स में काम आते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह में? स्पोर्ट्स वगैरह में। ओके, तो इसका क्या नाम रख रखा है आपने? इसका काजल है। काजल जी। ओके, नहीं बिल्कुल लड़की वाला नाम रख दिया आपने। तो ये किस नस्ल की है काजल? ये देवली लाइन से सर। देवली लाइन से जी। तो ये देवली लाइन क्या है, यानी कोई नस्ल है क्या है, यानी कि जहाँ से अच्छे घोड़े निकले तो उस नस्ल का नाम हो जाता है? अच्छा, उस नस्ल का नाम हो गया देवली लाइन। जी जी। ओके, तो और इसका इसकी क्या होगा अभी? जी, बच्चे का? हाँ, बच्चा कितने? 5.5 महीने का है। 5.5 महीने का है जी। ओके, तो इसकी क्या हाइट चले जाएगी लगभग? बच्चे की मतलब 64 जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो कुछ हाइट का अंदाजा आप कैसे लगाते हो, यानी कि जैसे नली से लग जाता है जन्मता, उसमें नली से अनुमान लग जाता है। तो नली कहाँ से और कहाँ तक होती है? जी, नली होती है सूंड से ऊपर से यहाँ से। अच्छा, और घुटने के यहाँ बीच तक। और जो ये नीचे जो हल्का सा ये मोटा है, इसके और ये इसको और इसके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? ये वाला? हाँ, ये गाला बोलते हैं इसको। गाला बोलते हैं? गाला, गाला। अच्छा, ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होता है तो घोड़ों में माइनस पॉइंट मानते हैं। ज्यादा बड़ा होता है तो? हाँ, तो फिर जैसे वजन जाएगा तो जैसे मिलता है क्या ज्यादा बड़ा इसमें भी? मिलते हैं ना, छोटे बड़े सब तरह के मिलते हैं। ओके। अब ज्यादा बड़ा होगा तो माइनस पॉइंट कैसे होगा? जैसे घोड़े पे वजन बढ़ेगा तो ये लचक खा जाएगा। अच्छा, जैसे गाले छोटे होना चाहिए ऐसे, जैसे जितने छोटे रहेंगे जितने ही घोड़ा पैर अच्छा रहेगा। तो इसकी नली अभी कितने इंच की होगी लगभग? इसकी नली है भाई साहब 16.5 से 17 इंच के बीच की। तो कितना चला जाएगा ये? अब जैसे नली से 4 गुना मानते हैं, नली से 4 गुना मानते हैं, तो 16 इंच की नली मानते हैं तो 16×64 तो इसको होना ही है। कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी घोड़े की नली छोटी हो और घोड़ा ऊंचा हाइट में चला गया हो? खान पीन का फर्क पड़ जाता है। खान पीन का फर्क पड़ता है? खान पीन का फर्क पड़ होता है वैसे? ऐसा होता है, उसकी देख रेख अच्छी होनी चाहिए। देख रेख अच्छी होगी, खान पीन अच्छा होगा तो वैसे वो हाइट ले लेगा, अगर अपने आप हाइट पकड़ जाएगा। और कुछ नली से फड़ के बीच में का इसका भी हिस्सा होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसके ऊपर के हिस्से को फड़ बोलते हैं। थड़? फड़, फड़, फड़। जो कुछ नली से बढ़ता है, कुछ फड़ से भी बढ़ता है। फड़ से भी बढ़ता है। हाँ। अब जैसे कि जो इसका ये जो आगे का हिस्सा थोड़ा अंदर गया हुआ, तो ये कमजोरी की वजह से कैसे? कमजोरी की वजह से ये जो सीना चौड़ा होना चाहिए। अच्छा, अभी तो क्या किया, सीने का क्या साइज रहना चाहिए, यानी कि कुछ आइडिया इसका? आइडिया तो ऐसा है कि सीने का कम से कम 1 फीट तो चौड़ा नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल? हाँ। अब जैसे इसका ये कितने फीट चौड़ा होगा? ये फीट से ऊपर ही, अंदर नहीं है। अच्छा, 1 फीट से ऊपर ही, ऊपर ही है, नीचे नहीं है। और सीना जितना चौड़ा होगा, तो ये सीना कौन सा जगह होता है, ये जो नीचे है ये वाला सर? ये ओके। और इसके ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं? ये वाले तो गर्दन में आ जाता है। अच्छा, गर्दन में आ जाता है। गर्दन में आ जाता है, जैसे ये देह मन है, ये पूरा मारवाड़ी। अब जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे घोड़े की गर्दन तो मोर जैसी है। मोर जैसी यही होता मारवाड़ी का, जैसे ये एकदम लंच होता है, जैसे तलवार होती है, वैसे ही ये घोड़े का रंप होता है। ओके, तो जैसे इसके ये क्या हो रहा है, ये भी कोई भौरी वगैरह है क्या? ये इसको कंठा बोलते हैं। कंठा बोलते हैं, ये इसको बहुत शुभ मानते हैं। तो ये किस काम में आती है, यानी कि हर घोड़े में मिल जाती है क्या? घोड़ी घोड़ों में ये अमुक जानवर मिलती है, अमुक में नहीं मिलती है, तो कुदरती होती है। कुदरती होती है जी। और जो ये आँख की भौरी रहती है, इसका क्या रहता है?
जैसे ये भमरी भागी भमरी बोलते हैं, इसके है यानी कि ये जी जो भमरी तो हर जानवर को मिलेगी, हर जानवर को। अच्छा, हर जानवर को। ऊपर आ गई तो अच्छी है। अच्छा, आँख से नीचे आ गई तो अशुभ मानते हैं। मिलती है आँख से नीचे? वैसे बहुत मिलती है आँख से नीचे। होती है लोग कहते हैं जो घोड़े घोड़ी पालते हैं उनको आंसू डुलवाती है, तो ऐसा लोग ऐसा होता है वैसे वास्तव में? सालोत्र बताते हैं। ये सालोत्र संहिता जो एक घोड़ों की किताब है जो उसके बारे में पता है क्या आपको कुछ? जो कुछ अनुभूति किताब से सीखते हैं, कुछ अनुभूति जानवर रखते रखते ऑटोमेटिक सीखते हैं। ओके ओके। तो जैसे कि आप शादी विवाह में घोड़ी वगैरह ले जाते हो ना? जी, हमारे बहुत कम काम रहता है, दो चार जानवर रहते हैं, लेकिन शादी विवाह का काम नहीं है हमारे। नहीं, शादी विवाह का काम नहीं है यानी कि ब्रीडिंग का काम है। अच्छा, ब्रीडिंग का। अच्छी घोड़ी पे अच्छा घोड़ा मिला के। आपके पास में ब्रीडिंग के कितने घोड़े हैं यानी कि जो जिनसे करवाते हो आप? सांड घोड़ा अभी हाल फिलहाल तो ये दो है, एक तो नुकरा है और एक काला है। क्या क्या चार्ज है उनका दोनों का? एक के 7,000 रुपये, एक के 15,000 रुपये। एक के 7,000 और एक के 15,000 रुपये। ओके। अभी ये सेल के लिए है या घोड़ी? सेल के लिए, सेल के लिए सर। है क्या प्राइस लगा रहे हो इसका भी? इसके 7,00,000 रुपये। 7,00,000 रुपये जी सर। तो कम ज्यादा करोगे कि फिक्स प्राइस है अपना? जो पार्टी जो लेने वाला होगा, लेने वाला होगा तो आएगा, तो ऊपर नीचे तो होता ही है। फिक्स तो यानी कोई प्राइस रहता नहीं है घोड़ों में, है ना? फिक्स जो कोई अगर बताव करेगा तो। आपके साथ पास में कितने साल से ये? ये हमारे पास में हो गए, इसको 4 साल हो गए। तो ये आपने कहाँ से खरीदी थी? ये हमने खरीदी थी जयपुर से। अच्छा, जयपुर से। जी सर। ओके। और ये बच्चे का? बच्चा तो अभी 5.5 महीने का हुआ है। तो क्या प्राइस लगा रहे हो उसका? इसके 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये जी। इस कलर को क्या बोलते हैं? इसको भंवर कलर है। भंवर कलर जी। घोड़ी के जैसे एक पांव सफेद है और पट्टा है। अच्छा। बच्चे के चारों पांव काले और खाली पट्टा है। ओके। घोड़ी का एक पैर सफेद है ना? जी, एक पैर सफेद है। ओके। बच्चे के चारों पांव काले। यानी इसकी तो आप 7,00,000 रुपये कीमत लगा रहे हो घोड़ी की, है ना? जी, जी, जी। और इसकी 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये। और दोनों को एक साथ में लेने वाला हो तो? दोनों को एक साथ में हो तो 50,000 10-20,000 कमते बढ़ते हो जाते हैं। हो जाते हैं। हाँ। जैसे अभी ये भी दूध पी रहा है, अब छुड़वा दिया है। अच्छा। अभी महीना डेढ़ महीने से छुड़वा दिया है क्योंकि वापस प्रेग्नेंट है। ये प्रेग्नेंट है अभी? हाँ, अभी हम तो जैसे कि घोड़ी ने एक बार बच्चा दे दिया, 6 दिन बाद मिला सकते हैं अभी? 6 दिन बाद दोबारा मिला सकते हैं? का बच्चा है जो हमने अभी पंजाब में सेल किया, 67 प्लस हाइट वाला बच्चा था आपके, यानी आपके पास में ही था? हाँ, वो हमारे पास ही था, हमने सेल किया अभी पंजाब में। अच्छा, घोड़े से ये सुबर अभी। ओके। तो आपने जो घोड़ा वो सेल किया है वो किस प्राइस में किया है आपने? वो तो हमारा गया 21 लाख के ऊपर। 21 लाख से ऊपर गया? 21 लाख के ऊपर गया। ओके। पंजाब में बेचा आपने? कैसा था, नुकरा था, कैसा था वो? कुमैत रंग का। ओके। तो पार्टी कहाँ, घर से लेके गई थी या मेले में से? मेले से। पुष्कर। अच्छा, पुष्कर मेले से जाते? पुष्कर मेले में? जी सर, हम जाते हैं, हर साल जाते हैं। ओके। राजस्थान के दो मेले करते हैं, पुष्कर बालोतरा। पुष्कर और बालोतरा दोनों में जाते हो? जी, जी, जी। तो जैसे कि आप अभी इनको घोड़े और घोड़ियों को खान पान में क्या देते हो यानी कि सर्दी की खुराक और गर्मी में, या फिर सब 12 मास ही एक जैसा? 12 मास तो एक जैसी खुराक चलती है, फिर सर्दी और गर्मी में ट्रांसफर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुराक होती है। हाँ। सर्दी के टाइम में बाजरी दे देते हैं। हाँ। सरसों का तेल देते हैं। ओके। गर्मी के टाइम में घी देते हैं। ओके। गेहूं का दलिया देते हैं, और गेहूं का चोकर और गेहूं का भूसा तो 12 महीनों चलता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि बाजरा वगैरह क्यों दिया जाता है यानी कि? मजबूती रहती है घोड़े में। अच्छा, मजबूती के लिए? खुद का स्ट्रॉन्ग शरीर अच्छा रहता है। ओके ओके।